हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो हम कंटिन्यू करते हैं हमारा मैट्रिसेस में। आज हमारा टॉपिक होगा ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। तो बहुत छोटा सा ही टॉपिक है और बहुत आसान चीज है। तो पहले डिफाइन कर लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स होता क्या है। ठीक है, तो देखना बच्चों, पहले मैं एक बार बता देता हूँ, उसके बाद हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेंगे। तो देखो, जैसे मान लो मेरा मैट्रिक्स ए ये है, लेट से मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो इसका जो ट्रांसपोज होगा उसको हम डिनोट करेंगे। देखो कैसे करते हैं, ए लिखते हैं, उसके ऊपर लिखते हैं टी, टी स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोज, या फिर इसके एक और नोटेशन यूज होता है ए और ऊपर लगा देते हैं डैश। दिस इज इक्वल टू क्या होता है इसमें कि रोज और कॉलम को इंटरचेंज करते हैं हम। जो भी मैट्रिक्स ए होता है ना, उसका ट्रांसपोज क्या होगा, जो इनिशियल मैट्रिक्स दी हमें उसका जो रो होगा वो इधर कॉलम बन जाएगा और उसका जो कॉलम होगा वो इधर रो बन जाएगा। तो जैसे कि इधर रो वन दे रखा है 1 2 3, अब वो इसका कॉलम बन जाएगा। तो आई विल राइट इट लाइक दिस वे, 1 2 3, और रो टू जो है वो इसका कॉलम टू बन जाएगा। दिस इज 4 5 6, आसान चीज है। दिस इज कॉल्ड ए ट्रांसपोज ऑफ दिस मैट्रिक्स। समझ में आया? अब तो हम फॉर्मल डेफिनेशन लिख लेते हैं। क्या लिखें, देखना ध्यान से। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स ए is denoted by a की पावर t और a डैश, पहली बात तो ये, and is obtained from a by interchanging rows and columns। ठीक है ना, कवर हो गया जो हमने ऊपर लिखा था। हमने क्या किया, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करके जो मैट्रिक्स बनेगा, दिस इज नथिंग बट ट्रांसपोज ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। ऑफ कोर्स दीज टू आर डिफरेंट मैट्रिक्स, ये नहीं बोलना ए और ए ट्रांसपोज बराबर है, नहीं, ये अलग मैट्रिक्स है, ये एक अलग मैट्रिक्स है। तो दीज टू आर डिफरेंट मैट्राइसिस। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम इससे रिलेटेड कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। तो बिफोर दैट यू जस्ट कॉपी दिस पार्ट, आई विल रब इट एंड देन आई विल नोट डाउन द प्रॉपर्टीज। तो तुम लोग इसको वीडियो पॉज करके कॉपी करो। अच्छा, तो प्रॉपर्टीज हम देखते हैं, काफी इंपॉर्टेंट है और हमारे क्वेश्चंस में काफी ज्यादा यूज होने वाली है। आगे तुम चल के हम क्वेश्चन देखेंगे जब तुम लोगों को देखोगे कि इसकी प्रॉपर्टीज का काफी यूज है। तो स्टार्टिंग विद प्रॉपर्टी नंबर वन, देखना क्या है कि अगर कोई मैट्रिक्स है, अगर उसका एड ऑर्डर 2×3 है, तो उसका ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या होगा, 3×2। जैसे बताया ना कि हमने रोज को कॉलम में कर दिया, कॉलम को रोज में कर दिया, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं जनरलाइज लिख रहा हूं कि अगर मैट्रिक्स ए का ऑर्डर अगर m×n है, तो जो उसका ट्रांसपोज होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, n×n। m×n से क्या हो जाएगा, n×m। तो इधर लिख लेते हैं, इधर इफ ऑर्डर ऑफ A is matrix, of course this is A is m×n, then order of A transpose मतलब AT will be क्या हो जाएगा, इधर m×n था तो उधर क्या हो जाएगा, n×m। बहुत छोटा सा पॉइंट है, ठीक है ना। चलिए अब सेकेंड चीज देखना, जैसे मान लो मैंने ये लिखा ए मैट्रिक्स 1 2 3 4, चलो स्क्वायर मैट्रिक्स ले लेते हैं, और तो इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, इधर जो क्रॉस थे वो कॉलम हो जाएंगे, तो 1 2 3 4। अब मान लो मैं इसका दोबारा ट्रांसपोज ले लूं, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो क्या हो जाएगा, यही आ जाएगा, क्योंकि दोबारा इंटरचेंज करेंगे रो कॉलम, तो 1 3 इधर आ जाएगा, 2 4 इधर आ जाएगा। तो सेकंड प्रॉपर्टी क्या है, ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज विल बी नथिंग बट ए मैट्रिक्स ओनली। दो बार अगर ट्रांसपोज लिया तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिलेगा। समझ में आया? इट इज लाइक हम जो उधर करते हैं प्रोबेबिलिटी वगैरह में भी, हम मैंने जैसे तुम लोगों को बताया ए बार क्या होता है, नॉट ऑफ ए, इसका दोबारा बार ले लिया तो इट इज ए ओनली, एग्जैक्टली सेम चीज है। दो बार ट्रांसपोज लेंगे तो हमें ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाएगी। क्लियर है बच्चों? चलो अभी एक साथ कॉपी कर लेना। अब थर्ड वन देखना, मैंने लिखा ए प्लस बी का ट्रांसपोज, ये भी बहुत जगह यूज होगा, अभी हम कुछ कुछ एग्जांपल्स करेंगे उसमें भी ये यूज होने वाला है। क्या है कि दो मैट्रिक्स को ऐड करके फिर उसका ट्रांसपोज लो, या फिर
इन दोनों का इंडिविजुअली ट्रांसपोज लेके ऐड करो, वन एंड द सेम थिंग, ठीक है? यू कैन प्रूव इट यूजिंग टेकिंग बाय एग्जांपल आल्सो, कोई भी एक मैट्रिक्स ले लो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा दिस इज ट्रू, ठीक है ना? क्या बोला मैंने, दो मैट्रिक्स को पहले ऐड किया उसके बाद ट्रांसपोज लिया, या फिर दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेके ऐड किया, यू विल गेट द सेम रिजल्ट, क्लियर है? तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। चलो अब देखना एक और, के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, और जहां मेरा के जो है वो है स्केलर, ए इज अ मैट्रिक्स, इसका ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, के को हम बाहर ले सकते हैं, वी कैन राइट इट एज के टाइम्स ए का ट्रांसपोज, क्लियर है? तो इन चार प्रॉपर्टीज को याद रखना, इसके बाद अभी हम और भी लिखने वाले हैं, तो बिफोर दैट यू कॉपी दिस पार्ट, ठीक है? चलो अभी क्वेश्चन भी करेंगे इन प्रॉपर्टी ट्रांसपोज के ऊपर। तो ठीक है, अभी हमने चार देख लिए प्रॉपर्टी, अब एक और इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके ऊपर बोर्ड में भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? क्या है और उसका यूज भी बहुत होने वाला है, दो लेट्स सी दिस इज फिफ्थ वन आई थिंक प्रॉपर्टी, तो ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होगा? अब देखो बहुत से बच्चे क्या लिखेंगे, अगर मान लो अभी भी मैंने किसी से पूछा, अगर जिसको नहीं पता पहले से, तो वो लिखेगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज, बट एक्चुअली दिस इज बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तुम लोग एग्जाम्पल लेके भी इसको प्रूव कर सकते हो, जिसको हम बोलते हैं कि मैट्रिक्स जो है वो रिवर्सल लॉ फॉलो करता है फॉर मल्टीप्लीकेशन। क्या है ये? रिवर्सल, क्योंकि पहले ए था इधर बी था बट इधर उल्टा हो गया, तो इसको इधर लिख लो साइड में रिवर्सल लॉ, रिवर्सल लॉ, ठीक है? क्या करेंगे, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लो, या फिर दोनों को ट्रांसपोज लेके फिर मल्टीप्लाई करो, बट याद क्या रखना है कि अगर इधर ए इंटू बी था तो इधर ऑर्डर चेंज हो गया, इधर बी पहले आ गया फिर ए आ गया, ठीक है ना? चलो अब हम देखते हैं नेक्स्ट। चलो अब क्या करा, इधर दो मैट्रिक्स लिया, अब मैं दो की जगह बहुत सारे भी ले सकता हूं, तो जनरलाइज कर देते हैं इसको। तो देखना मैं क्या ले रहा हूं, पहला मैट्रिक्स ए वन, दूसरा ए टू, तीसरा ए थ्री एंड सो ऑन, लेट से ए के तक गए, इसका ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज हो जाएगा, क्या बोला मैंने कि इंडिविजुअल ट्रांसपोज तो लेना है बट उल्टा करके लिखना है, उल्टा करके लिखना है, इसका मतलब क्या हो गया, पहले मैं ए के से स्टार्ट करूंगा, तो इधर आएगा ए के का ट्रांसपोज, फिर ए के माइनस वन का ट्रांसपोज एंड सो ऑन, फिर अदर आएगा ए थ्री ट्रांसपोज, ए टू ट्रांसपोज, ए वन ट्रांसपोज। क्लियर हुआ बच्चों क्या कर रहा हूं मैं, रिवर्सल लॉ है, ठीक है ना? चलो अब क्या किया इसमें, एक और चीज, इसी वाले में सभी ए को सेम डाल दिया, अगर मैं हर एक मैट्रिसेस को सेम ले लू तो इधर क्या जाएगा, ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए, ए की पावर कितना हो जाएगा, कितनी मैट्रिक्स है, के, तो ए की पावर के, इसका ट्रांसपोज, और इधर से क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, कितने बार है, के बार, तो आई कैन से ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज की पावर के, ये भी बहुत जगह यूज होगा। अभी हम क्वेश्चन में देखेंगे क्या किया, इधर पहले ए की पावर के निकाला उसका बाद ट्रांसपोज लिया, और ये बोल रहा है क्या करो, दैट इज इक्वल टू पहले ए का ट्रांसपोज ले लो उसके बाद उसकी पावर के ले लो, समझ में आया, ठीक है ना? चलो अब आता है एक लास्ट इसमें प्रॉपर्टी। देखो जो ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का, किसी भी मैट्रिक्स का डिफाइन होता है, भले वो स्क्वायर हो या नहीं हो, क्या बोला, क्योंकि जैसे मान लो मैंने जब लिखवाया था कि m क्रॉस n अगर ऑर्डर है किसी मैट्रिक्स का, उसके ट्रांसपोज का क्या होता है, n क्रॉस m। तो अब मैं स्पेशल केस ले रहा हूं कि इफ मैट्रिक्स इज स्क्वायर, अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तब ये प्रॉपर्टी क्या बोल रही है कि डिटर्मिनेंट ऑफ DET ऑफ A विल बी इक्वल टू DET ऑफ A ट्रांसपोज, या फिर ऐसे लिख लो इसको, मॉड ऑफ A इज इक्वल टू मॉड ऑफ A ट्रांसपोज। ये भी बहुत जगह यूज होगा, जो लास्ट में दो लिखवाए हैं ये दोनों सबसे ज्यादा यूज होने वाले हैं। खुद सोचो लॉजिकल है, क्यों, क्योंकि हमें पता है A और A ट्रांसपोज में अंतर क्या होता है, केवल रोज और कॉलम इंटरचेंज हो जाती है, और मुझे पता है कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू, जैसे हमने डिटर्मिनेंट प्रॉपर्टीज पढ़ाया उसमें शायद पहला ही प्रॉपर्टी मैंने लिखवाया था कि डिटर्मिनेंट की वैल्यू चेंज नहीं होती अगर रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं। तो ये जो A और A ट्रांसपोज है इनमें केवल अंतर क्या है कि जो रो, जो इधर रो थी वो इधर कॉलम है, जो उधर कॉलम थे वो इधर रो है, तो इन दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू तो सेम आएगा, बिकॉज डिटर्मिनेंट वैल्यू इज रिमेन्स अनचेंज इफ वी आर इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स, क्लियर है? तो ये चीज याद रखना बिल्कुल, कि डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज बोथ आर इक्वल, ठीक है? तो अब ये आठ प्रॉपर्टी पढ़ी है, वीडियो पॉज करके इन आठ प्रॉपर्टी को कम से कम पांच बार मन में रीड करो अच्छे से, उसके बाद अब मैं एक दो क्वेश्चन देखता हूँ, ठीक है ना? तो हम लोग पॉज करके पहले दो चार बार मन में रीड करो अच्छे से, उसके बाद फिर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना, ठीक है? मैं इसको रब कर रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना?
स्पेशली जो लास्ट के दो प्रॉपर्टीज लिखवाए और एक वो ए इंटू बी का ट्रांसपोज है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज, वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है चलो अब एक क्वेश्चन लिखते हैं जो जेई में भी उस टाइप का क्वेश्चन आ गया है, आया हुआ है पहले और अभी भी आ सकता है और इवन बोर्ड के लिए भी आ सकता है। क्वेश्चन इज देखना क्या है, क्वेश्चन में लिख रहा हूं ए ट्रांसपोज इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर एक ये मॉड लगाया, फिर इंटू ए और फिर एक ये मॉड लगाया, दिस इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर लैम्डा वेयर ए इज मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर फोर। हम जनरलाइज एन भी लिख सकते हैं बट ठीक है फोर के लिए करो। तो क्या करो, तुम्हारा काम क्या है, वीडियो पॉज करके पहले इसको खुद से ट्राई करो, जब ज्यादा सीखने मिलेगा और मैं इसका भी सॉल्यूशन बता ही रहा हूं। तो स्टार्ट करते हैं, तो पहले तो हम ये देख लेते हैं वो बहुत सारे मॉड वगैरह लिख रहे हैं उसको पहले देख लेते हैं कौन सा मॉड किसका पेयर है। तो एक तो ये पेयर है, ये वाला मॉड इसका है, एक ये वाला मॉड है, कि ये दोनों मंडी इसके लिए। अब सुनना, अब जैसे मैं इस वाले मॉड के अंदर फोकस कर रहा हूं, अंदर क्या लिखा है ए ट्रांसपोज इनटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखना मैं पहले ये वाला मॉड कर रहा हूँ, ये वाले मॉड पे फोकस कर रहा हूँ, ठीक है बाद में एक और मॉड पे ले लेंगे हम पिक्चर में। तो ध्यान से देखना बच्चों कि मैंने लिखा ये मॉड ऑफ ए ट्रांसपोज इनटू मॉड ऑफ ए, ठीक है। अच्छा अब इस वाले मॉड के लिए ये तो एक मैट्रिक्स है, ये तो एक मैट्रिक्स है और ये क्या है, एक कॉन्स्टेंट है, एक कॉन्स्टेंट है। अब मुझे पता है कि जैसे कॉन्स्टेंट के टाइम्स ए अगर होता है तो के को बाहर लेते हैं तो क्या होता है, जैसे पहले बताया था के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, अब वही चीज में लगाऊंगा, ये डिटर्मिनेंट जो अंदर लिखा है मॉड ऑफ ए वो तो एक कॉन्स्टेंट है, ये मैट्रिक्स है, ए ट्रांसपोज इज अ मैट्रिक्स, तो ये तो के इंटू ए ट्रांसपोज लिखा है, तो मैट्रिक्स को तो उधर ही रहने देते हैं, जैसे इधर रहने दिया डिटर्मिनेंट के अंदर, के को बाहर ले लेते हैं कॉन्स्टेंट, और के की पावर क्या आती है जितना उसका ऑर्डर होता है। तो मैं इस डिटर्मिनेंट को बाहर ले रहा हूं तो मैं ऐसे लिखूंगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर एन, एन हियर इज ऑर्डर इज फोर, तो एल से इट इज फोर और ये जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज। क्लियर हुआ, ये तो ये वाला मॉड हुआ। अब एक्चुअली क्वेश्चन में क्या दिया इसको मैं अलग कलर से लिख लेता हूं, देखना इधर लिखा है ए और एक और मॉड बना है, ध्यान से देखना ठीक है ना। चलो अब देखो, अब क्या किया, अब ये वाली प्रॉपर्टी लगाई जो अभी अभी ताजा ताजा हमने पढ़ी, लास्ट प्रॉपर्टी डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये किसके बराबर हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ, मैं इसको रब कर रहा हूं, ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए और इधर डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर फोर दिया है, तो ओवरऑल क्या हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर फाइव और इट इज ए इधर बाहर मॉड। अब अगेन दिस इज अ कॉन्स्टेंट, दिस इज अ मैट्रिक्स, तो इस पूरे को बाहर लूंगा, पावर क्या आएगा जितना उसका ऑर्डर है, तो देखना इस पूरे को आई विल टेक आउटसाइड, तो ये हो जाएगा देखना इधर लिख रहा हूं मैं डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर फाइव, इसकी पावर इसका ऑर्डर एन, एन क्या है अगर फोर, तो फोर और अंदर क्या बचा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, तो ये तो हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 20 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए एंड फाइनली ये हो गया डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर 21 और हमें ये दिया क्या था आरएचएस में डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर लैम्डा, तो लैम्डा क्या आ गया 21, ठीक है ना, सिंपल है ठीक है ना, एकदम मैं सिंपल तो नहीं बोलूंगा हालांकि इसको थोड़ा मतलब प्रॉपर्टीज वगैरह तो मैं अच्छे से आनी चाहिए। तो अब इधर हमने कौन कौन सी प्रॉपर्टीज यूज की, जो सबसे ज्यादा यूज की एक तो ये वाले की है, देखो इधर नोट करके अलग से भी लिख लो, डिटर्मिनेंट ऑफ के टाइम्स मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू के की पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सबसे ज्यादा इस प्रॉपर्टी का यूज हुआ है, ठीक है ना। और तो मुझे लगता नहीं और कोई ज्यादा प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है, ठीक है। और एक हमने ये भी किया है क्या कि इधर क्या किया था डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए, इन दोनों प्रॉपर्टीज का यूज हुआ है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, तो अलग से भी तुम लिख लो ठीक है ना। तो ज्यादा अगर अलग से लिखोगे तो थोड़ा फोकस रहेगा उसके ऊपर, बाकी वो सभी एट इंपॉर्टेंट है सारी प्रॉपर्टीज, बट मैंने जैसे बोला था ये वाली प्रॉपर्टीज भी यूज होगी लास्ट की, तो उसमें से ये लास्ट वाली है, क्लियर है। तो वीडियो पॉज करो, सॉल्यूशन कॉपी करो जिसने नहीं किया था। अब मैं मूव करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो लिखते हैं ठीक है ना। दो एक क्लास और रह गया हमारा मैट्रिसेस का और उसके बाद ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर हम 1st of June से हमारा कैलकुलस स्टार्ट करेंगे ठीक है। एक्चुअली टारगेट था सैटरडे तक बट ड्यू टू सम रीजन आई वाज अनेबल टू अपलोड इट फ्रॉम लास्ट टू डेज लेक्चर, तो हमारा भी थोड़ा एक्सटेंड हो गया है। 21st of June से वी विल स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर फ्रेश। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो चलो।
देखना क्या लिख रहा हूं मैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू ए ट्रांसपोज माइनस थ्री टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो, फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. दिस इज नॉट मॉड, एब्सोल्यूट मॉड वाला, दिस इज डिटर्मिनेंट. ठीक है ना, दिस इज सिंबल फॉर डिटर्मिनेंट. तो तुम लोग वीडियो पॉज करके एक बार खुद से ट्राई करो, मैं इसको डिस्कस करता हूँ अभी. देखना ध्यान से, अब क्या, अब देखो ये इधर क्या है, दोनों मैट्रिक्स से रखी है. तो हमें पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. तो वाली प्रॉपर्टी लगा के इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, देखना इधर से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहे हैं हम. तो दिस इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी, और बी इधर क्या है हमारा, ए ट्रांसपोज माइनस थ्री टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. आया समझ में आया होगा, इधर ब्रैकेट में लिख लो हमने कौन सी प्रॉपर्टी यूज की, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ बी. ठीक है, अच्छा अब मुझे पता है डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए के बराबर होता है, अभी देखा था हमने प्रॉपर्टीज में. तो ये हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए की पावर स्क्वायर हो जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ ए हो जाएगा माइनस थ्री टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस फोर इक्वल्स टू जीरो. समझ में आया होगा. अब ये तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए में क्वाड्रेटिक है, तो इसके रूट्स निकाल लेते हैं. तो देखो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, हालांकि कोई कोई ऑब्जर्वेशन से भी निकाल सकता है, सम ऑफ रूट इज थ्री प्रोडक्ट इज माइनस फोर, तो बट फिर भी हम निकाल लेते हैं. फॉर्मूले से माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ नाइन प्लस फोर फोर सिक्सटीन बाय टू, तो ये हो गया हमारा थ्री प्लस माइनस फाइव बाय टू. तो फाइनली पॉजिटिव लेने पे एट बाय टू मतलब फोर, और नेगेटिव लेने पे माइनस फाइव प्लस थ्री माइनस टू अपॉन टू इज माइनस वन, तो फोर एंड माइनस टू. तो देयर आर टू वैल्यूज ऑफ मॉड ऑफ ए, दैट इज डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू फोर एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू माइनस वन. सो दीज आर योर टू वैल्यूज. भैया हमें निकालना था फाइंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए. आई होप समझ में आया होगा. ठीक है, तो ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स इतना काफी है. अब हम मूव करेंगे हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे, एंड दैट विल बी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सॉरी सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो अब हम देखते हैं सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस. तो ये वाला टॉपिक तुम्हारा डिटर्मिनेंट में भी आया था, उधर क्या था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, सेम वही है इधर भी. ठीक है ना, बस इधर हम मैट्रिक्स में डील कर रहे हैं. तो जैसा कि हमने पहले हम सिमेट्रिक के लिए डिस्कशन कर लेते हैं, तो उधर हमने डिटर्मिनेंट में क्या देखा था, सिमेट्रिक के लिए क्या होता है, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स होते हैं वो बराबर होते हैं. और कॉन्जुगेट एलिमेंट्स क्या होते हैं, अगर ए आई जे एक एलिमेंट है उसका कॉन्जुगेट क्या होगा, ए जे आई, मतलब ए वन टू का कॉन्जुगेट क्या होगा, ए टू वन. तो हमारे डिटर्मिनेंट में क्या था, अगर कॉन्जुगेट एलिमेंट्स बराबर है तो डिटर्मिनेंट इज कॉल्ड स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट. इधर भी वही चीज है, बस अब हम इधर क्या करेंगे, इसको ट्रांसपोज के टर्म्स में बोलेंगे. देखना क्या बोल रहा हूं मैं, देखना क्या लिख रहे हैं, अ मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ. देखना इसको दो चीज में, दो टर्म्स में बोल रहा हूं मैंने, क्या बोला, एक तो हम डिटर्मिनेंट की मदद से क्या बोल सकते हैं, ए आई जे. देखो एक तो बोला ए आई जे इज इक्वल टू ए जे आई फॉर ऑल आई कॉमा जे, आई और जे कुछ भी रखो ये दोनों बराबर होना चाहिए. अब हम मैट्रिसेस के टर्म्स में क्या बोलेंगे, चलो एक बार पहले मैं एग्जांपल दिखाता हूँ, फिर तुम बताना क्या लिखे हम. देखो जैसे मान लो मैंने एक मैट्रिक्स ये लिया, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन. ठीक है, अच्छा मैंने बोला अभी अभी क्या बराबर है क्या ये, नहीं अभी तो बराबर नहीं, इसको बराबर पहले ऐसा मैट्रिक्स लेते हैं जिसके लिए ट्रू है. तो इसको मैं टू कर देता हूँ क्योंकि ये एलिमेंट बराबर हो जाएगा, ये थ्री है तो इसको थ्री कर देता हूँ, और अगर इधर इधर सिक्स है तो इसको सिक्स कर देता हूँ. ना अब मैं बोल सकता हूँ क्या कि जो इसके कॉन्जुगेट ए आई जे है वो ए जे आई के बराबर है, तो ये सिमेट्रिक होना चाहिए. अब मेरे को लिखना है ट्रांसपोज के टर्म्स में इसकी डेफिनेशन. तो कुछ सोचो, अगर मैंने ए ट्रांसपोज लिखा, अगर ये कंडीशन ट्रू हो रही है तो ए ट्रांसपोज क्या हो जाएगा इसका, ध्यान से देखो. जब मैं रोज को ऐसे लिखूंगा, रोज और कॉलम को इंटरचेंज करूंगा, तो इधर क्या आएगा, वन टू थ्री, फिर ये टू फाइव सिक्स, टू फाइव सिक्स, फिर ये थ्री सिक्स नाइन, सॉरी हाँ वन टू फाइव सिक्स और थ्री सिक्स नाइन, तो थ्री सिक्स नाइन. तो कैन यू सी वन थिंग कि अगर मैट्रिसेस सिमेट्रिक है तो ए एंड ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल. समझ में आया क्या हुआ, अगर हमारा जो मैट्रिसेस है वो सिमेट्रिक है तो हम लिख लेते हैं अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड सिमेट्रिक इफ दिस इज इक्वल टू दिस, या फिर इसी को हम और करके क्या लिख रहा हूं देखना,
ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, सिंपल। अगर कोई मैट्रिक्स है और उसका ट्रांसपोज दोनों बराबर है तो वो मैट्रिक्स को बोलेंगे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर है बच्चों? चलो तो इसी प्रकार आप इसके सिमेट्रिक हो जाएगा, सेम जैसा उधर पढ़ा था हमने। उधर क्या पढ़ा था, चलो मैं इसी में चेंज कर देता हूँ, तुम लोग नया लिखना। मैट्रिक्स इज कॉल्ड, इज यार इसकी सिमेट्रिक हो जाएगा। और चलो मैं इसको रब कर देता हूँ, एग्जाम्पल को रब कर देते हैं। देखना क्या अंतर था उधर हमारा, जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है वो क्या होते थे हमारे, नेगेटिव ऑफ ईच अदर होते थे। ए आई जे विज इक्वल्स टू माइनस ऑफ ए जे आई, इसको हटा के इधर माइनस लगा देते हैं। क्लियर है, माइनस ऑफ ए जे आई। अच्छा और हमने क्या पढ़ा था उधर, कि जो स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो जीरो होते हैं, इधर भी होगा। क्यों होगा, उसको प्रूव करने के लिए क्या बोल सकते हैं, देखो इसने क्या बोला डेफिनेशन, कि ए आई जे जो है वो माइनस ए जे आई के बराबर है फॉर ऑल आई कॉमा जे, आई और जे कुछ भी रखो। तो मैं क्या रख रहा हूँ उसमें, आई इज इक्वल टू जे रख रहा हूँ। तो इधर से क्या है, ए आई आई इज इक्वल टू माइनस ए आई आई, तो इधर से आया टू ए आई आई इज इक्वल टू जीरो, तो क्या आया ए आई आई इज इक्वल टू जीरो। तो इससे क्या पता चला हमें कि डायगोनल एलिमेंट्स ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स इज जीरो। क्लियर है, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिख लेते हैं, 1 2 3, चलो इसको जीरो लिखना पड़ेगा, -2 0 4, -3 -4 0। सो दिस इज नथिंग बट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्यों, अब देख लो तुम, जो डायगोनल है जो कॉन्जुगेट एलिमेंट्स है यार, नेगेटिव ऑफ इजाजी, -2 है ये 2 है ये 3 है, तो इसका -3 कॉन्जुगेट, ये 4 है इसका कॉन्जुगेट -4। ठीक है, तो अब एक मिनट के लिए अब हम इसको सोचते हैं, इसका डेफिनेशन ट्रांसपोज के टर्म्स में कैसे लिखे हैं। तो ध्यान से देखना, लेट्स से मैं इसको ए मान रहा हूं, दिस इज माय ए। तो ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ध्यान से देखो बच्चों, ये हो जाएगा 0 2 3, -2 0 4 और -3 -4 0। तो इन दोनों में कुछ रिलेशन दिख रहा है तुम्हें, ये दोनों एक दूसरे का नेगेटिव है, तो क्या हो जाएगा, ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस। ठीक है, देखो ये वाला पार्ट तो हमने डिटरमिनेंट भी देखा था, ए आई जे इज माइनस ए जे आई। अब हम क्या चाहते थे कि इसका डेफिनेशन ट्रांसपोज के टर्म्स में लिखें, जो अभी हमने ताजा ताजा पढ़ा है। क्लियर है, तो दो चीज याद रखेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तब तो क्या है कि ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज एकदम दिमाग में छपना चाहिए, प्लस उसमें ये पॉइंट और ऐड कर लेंगे जो हमने उधर लिखा था, कि जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होगी, सिमेट्रिक होगी, किसके अबाउट, डायगोनल एलिमेंट्स के अबाउट, क्योंकि ए आई जे एंड ए जे आई क्या होते हैं, वो जो एलिमेंट्स होते हैं कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, दे आर सिमेट्रिक विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल, हैंस दिस सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है इज सिमेट्रिक अबाउट डायगोनल, उधर से ही टर्म आया सिमेट्रिक बेसिकली। और इसकी सिमेट्रिक क्या होगी, मैं क्या याद रखेंगे कि एक तो ए इज इक्वल टू माइनस ए ट्रांसफोज पहली चीज, और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज इज डिटर्मिनेंट सॉरी डायगोनल एलिमेंट्स आर जीरो। क्लियर है बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो। अब हम कुछ इससे रिलेटेड कुछ नोट्स देखते हैं। देखना पहला नोट तो अगेन हमने डिटरमिनेंट में देखा था कि जो ऑड ऑर्डर डिटरमिनेंट ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है, उसको हमने उधर प्रूफ किया था, इसको हम इधर अलग अलग तरीके से प्रूफ करेंगे। तो पहले स्टेटमेंट लिख लेते हैं हम क्या बोल रहा हूं मैं, कि देखना डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक पूरा लिख लेना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस इज जीरो। ठीक है ना, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्राइसिस इज जीरो। उधर हमने बोला ना स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, इधर हम यूज कर रहे हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो उस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट वैल्यू क्या आएगा, जीरो। डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, इधर नहीं नहीं गलत है ये, थोड़ा सा इधर चेंज कर लो, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर, ठीक है ना, ऑड ऑर्डर इधर ऐड कर लो, डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब करेक्ट है ये बोल कह रहा है, देखो पहले इसको एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मैंने लिखा, एक मेरा मैट्रिक्स है ए इज इक्वल टू 1 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, दिस इज स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट, ऑर्डर कितना है 3। तो इसमें भी वो बोल रहा है कि तुम्हें कैलकुलेट करने की जरूरत ही नहीं है, डेल्टा विल बी जीरो।
डिटर्मिनेंट ऑफ ए विल बी जीरो डायरेक्टली. क्यों? क्योंकि ये स्क्यू सिमेट्रिक है एक तो, प्लस ये ऑड ऑर्डर है. इवन ऑर्डर पे इसने कोई कमेंट नहीं किया, वो हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, दैट इज नॉट जनरलाइज. बट हाँ, ऑड ऑर्डर के लिए, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए डिटर्मिनेंट वैल्यू विल बी जीरो, ठीक है ना. क्योंकि अगर मान लो तुम कभी क्वेश्चन कर रहे हो तो दिख जाएगा कि ऐसा है, तो तुम्हें डिटरमिनेंट कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर ये प्रॉपर्टी पता है. तुम्हारा टाइम सेव हो जाएगा और टाइम इज वेरी प्रीशियस इन एग्जाम. तो अब इसको हम प्रूफ देखते हैं. तो मैंने बोला कि स्क्यू सिमेट्रिक है, अरे वो जनरलाइज प्रूफ कर रहा हूँ, एग्जाम्पल लेके नहीं कर रहा हूँ. देखना, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है तो ए इज इक्वल टू माइनस टाइम्स ए ट्रांसपोज, या फिर उल्टा लिख लो, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ए, या बोल दो इसी को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई कर दिया. अब क्या कर रहा हूं, ये एक मैट्रिक्स है, ये एक मैट्रिक्स है, टेकिंग डिटर्मिनेंट, टेकिंग डिटर्मिनेंट ऑन बोथ साइड, टेकिंग डिटर्मिनेंट. अब इधर देखना, डिटर्मिनेंट लिया मैंने तो क्या आएगा, ए ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ माइनस ऑफ ए. अच्छा, अब डिटर्मिनेंट ऑफ ए ट्रांसपोज कितना होता है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए माइनस इज इक्वल टू, सॉरी अब देखना ध्यान से, इंपॉर्टेंट चीज, अब माइनस वन को मैं बाहर लूंगा तो क्या बन के आता है बाहर, कांस्टेंट को, कांस्टेंट को के को बाहर लेता हूं तो के की पावर एन बन के बाहर आता है. तो ये कितना आएगा, माइनस वन की पावर एन, अगर एन ऑर्डर है तो. अभी मैं ऑड और इवन क्लासिफाई नहीं कर रहा हूं, अभी तक मैं जनरलाइज कर रहा हूं इस क्यू के लिए केवल. इधर आएगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, आप देख रहे हैं ये जनरलाइज हो गया. अब मैं केस बना रहा हूं, अगर एन ऑड है, देखो इधर तक यूज करने के लिए मैंने केवल एक ही चीज यूज की, स्क्यू सिमेट्रिक अभी तक. अब मैं इस फैक्ट का यूज करूंगा ऑड ऑर्डर का, तो कैसे करेंगे देखना. मैंने लिखा इफ n is odd, तो क्या हो जाएगा हमारा, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू माइनस ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ a, क्योंकि माइनस वन की पावर ऑड नंबर इज माइनस वन. तो इधर से कितना है, टू टाइम्स डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू जीरो, हेंस प्रूव्ड. भाई हमें प्रूव करना था कि स्क्यू सिमेट्रिक डिटर्मिनेंट, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगी अगर ऑड ऑर्डर की, तो उसका डिटर्मिनेंट वैल्यू क्या होगा, जीरो, ठीक है ना. बहुत से क्वेश्चन में यूज हो सकता है इसका, ठीक है ना. यही है कि बस इस ये प्रॉपर्टी याद रही तो हमें टाइम थोड़ा सेव हो जाएगा, और ऐसा इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा, ठीक है ना. ठीक है, अगर मान लो नहीं याद रही तो तुम कैलकुलेट करोगे, थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट अगर ये प्रॉपर्टी याद है तो तुम्हारा थोड़ा टाइम सेव हो जाएगा, ठीक है. चलो तो इसको कॉपी करो, अब हम मूव करेंगे नेक्स्ट नोट की तरफ, ठीक है. इसको हमने उधर भी देखा था, ठीक है ना. अगर तुम्हें देखना होता डेरिवेशन कैसे सीखा था तो तुम अपने नोट्स में देखो, ठीक है. जब मैंने पढ़ाया था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट प्रॉपर्टीज के जस्ट बाद, प्रॉपर्टीज के जस्ट बाद का जो लेक्चर था, ठीक है ना, आठ प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, उसमें एट प्रॉपर्टीज के बाद जो लेक्चर था उसमें लिखवाया था सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट. उधर भी यही बोला था कि ऑड ऑर्डर स्क्यू सिमेट्रिक डिटरमिनेंट की वैल्यू जीरो होती है. उसमें हमने प्रूफ कैसे किया था, चलो बताई देता हूँ. रोज और कॉलम को इंटरचेंज कर दिया था, ठीक है ना, और फिर देखा, फिर माइनस कॉमन लिया था, हर एक रो से माइनस माइनस कॉमन आएगा तो माइनस वन की पावर थ्री आएगा अगर ऑड है तो, और फिर वो डिटरमिनेंट सेम बन जाता है, तो डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू माइनस टाइम डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो आ जाता था डिटरमिनेंट ऑफ ए जीरो. क्लियर है, वही चीज है, बट इधर हमने ट्रांसपोज का यूज करके ड्राइव किया है. चलो अब नेक्स्ट नोट लिखते हैं, देखना नेक्स्ट नोट, नोट के फॉर्म में लिख लो इसको, तो ये हो गया हमारा नोट टू. चलो तो नोट टू क्या बोल रहा है देखना, कि ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है, देखना, तो ये बोल रहा है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक. इसका प्रूफ भी देखेंगे हम. क्या बोल रहा है, ए इज एनी मैट्रिक्स, इधर लिख लो एनी मैट्रिक्स, कोई कंडीशन नहीं उस पे. तो बोल, अच्छा एक चीज और मैं ऐड करना कर रहा हूं इसमें, एक चीज जैसे अभी जो हमने आर्टिकल पढ़ा ट्रांसपोज, तो जैसा कि मैंने लिखा ए इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, तो उसमें जरूरी है क्या, ए में क्या खासियत होनी चाहिए, वो स्क्वायर तो होनी चाहिए, तभी तो ए और ए ट्रांसपोज जो होगा उसका ऑर्डर सेम होगा. जैसे मैंने बोला ए का ऑर्डर अगर 2 क्रॉस 3 है, तो ए ट्रांसपोज का ए 3 क्रॉस 2 होगा, तो दोनों बराबर तो हो नहीं सकते. और जब मैं स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक की बात कर रहा था अभी, तो उधर मैंने बोला कि दोनों बराबर होते हैं तो फिर इसका मतलब n और m बराबर होना चाहिए. अगर मान लो मैंने बोल रहा है एक का ऑर्डर n क्रॉस m है, दूसरे का m क्रॉस n है, तो दोनों को बराबर होने के लिए n और m बराबर होना चाहिए. तो उधर अगर उधर ऐड करना है तो उधर ऐड कर लो, नहीं तो इधर कर लो. जो भी हम देख रहे हैं ये सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात आ रही है, दैट इज ओनली फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स. ये हमने डिटरमिनेंट में भी देखा था, ठीक है ना. हम सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक की बात तभी करेंगे जब डिटरमिनेंट मैट्रिसेस स्क्वायर मैट्रिसेस हो, ठीक है ना. इफ यू वांट टू ऐड यू कैन ऐड दिस लाइन आल्सो. चलो अब मैंने कंटिन्यू करता हूं इसके ऊपर, ए प्लस ए ट्रांसपोज विल बी सिमेट्रिक. तो देखो अब मुझे प्रूव करना है कि दिस इज सिमेट्रिक, ये सिमेट्रिक है, तो मैंने इसको मान लिया लेट्स सी, लेट सी इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज.
देखो इसी टाइप से करना है, मान लो हमें कोई प्रूव करना है कि ये सिमेट्रिक है, तो हम क्या प्रूव कर दें, मान लो मेरे को प्रूव करना है बी मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है, तो एनी हाउ आई शुड बी एबल टू प्रूव बी इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज। तो अगर मान लो मुझे सी को ये इसको प्रूव करना है कि ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, तो मैं प्रूव कर दूं सी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज, तो कर देते हैं हम। तो क्या किया मैंने, ट्रांसपोज लिया दोनों साइड, टेकिंग ट्रांसपोज, तो ये हो गया सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए प्लस ए ट्रांसपोज का होल ट्रांसपोज। अब सुनना ध्यान से, अभी हमने प्रॉपर्टी पढ़ा था उसमें सेकंड या थर्ड में था a plus b का ट्रांसपोज इज a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, तो इधर क्या आ जाएगा, ये ट्रांसपोज दोनों में बढ़ जाएगा, तो हो जाएगा a ट्रांसपोज प्लस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, दिस विल बी फर्दर इक्वल्स टू a ट्रांसपोज प्लस, अब सुनना a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, ये भी हमने देखा था क्या होता है, यही होता है, और ये हमारा क्या है बेसिकली c तो है, तो क्या आ गया हमारा c ट्रांसपोज c के बराबर आ गया, hence c is what symmetric, और c क्या हमारा ये, hence prove a plus a transpose will be symmetric। यही चीज तुम आगे चल के कैलकुलस में देखेंगे हम even odd के टर्म्स में, ठीक है ना, एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स टाइप की चीज आएगी, वो हमारा इवन फंक्शन होता है, एकदम वन टू वन मैपिंग है, ठीक है ना, ये चीज इधर हम पढ़ रहे हैं सिमेट्रिक इसकी सिमेट्रिक, उधर आएगा फंक्शन में हमारा इवन ऑड फंक्शन, क्लियर है। चलो अब इसी के अंदर एक और चीज है देखना, वो लिखवा देते हैं, उसके बाद हम नेक्स्ट पे जाएंगे। वो बोल रहा है a माइनस a ट्रांसपोज विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, a माइनस a प्लस a ट्रांसपोज तो सिमेट्रिक है, बट a माइनस a ट्रांसपोज इज स्क्यू सिमेट्रिक। तो इसको प्रूव करने के लिए क्या करो, तुम लोग करो खुद से करो, ऐसे ही करना है, इसको प्रूव करना है, तो इसको मैंने मान लिया c, c इज इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज, फिर क्या किया दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, तो जो हो जाएगा c ट्रांसपोज इज इक्वल टू a माइनस a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अच्छा बीच में एडिशन हो चाहे प्लस हो, ट्रांसपोज को तो हम बांट सकते हैं दोनों में, तो ये हो जाएगा a ट्रांसपोज माइनस ऑफ a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो फाइनली दिस इज a ट्रांसपोज माइनस a। अब देखो ध्यान से, तो इसमें से माइनस अगर कॉमन लिया, चलो मैं इधर लिख रहा हूँ, अगर मैंने इसमें से माइनस कॉमन लिया तो ये कितना हो जाएगा माइनस ऑफ a माइनस a ट्रांसपोज, और ये क्या है मेरा, ये तो मेरा c है, सॉरी इधर मैंने सी इसको माना, ये मेरा सी है, तो क्या लिखूं, दिस इज माइनस ऑफ सी, और इधर क्या था सी ट्रांसपोज, तो सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ गया, तो इसका मतलब सी क्या है हमारा, इसकी सिमेट्रिक, सी क्या था ए माइनस ए ट्रांसपोज, हेंस ए माइनस ए ट्रांसपोज विल बी इसकी सिमेट्रिक, क्लियर है। देखो ए प्लस ए ट्रांसपोज सिमेट्रिक होगा, एकदम याद रखो टेस्ट पे, ए माइनस ए ट्रांसपोज इसकी सिमेट्रिक होगा, ये इसका सो कॉल्ड प्रूफ हो गया, क्लियर है बच्चों। चलो तो इसको वीडियो पॉज करके इसको कॉपी करो, हम अब नेक्स्ट नोट की तरफ मूव करते हैं, इसी से रिलेटेड है, क्या लिखेंगे अब देखना। अब कोई भी मैट्रिक्स है क्या कर सकते हैं, जैसे कोई भी मैट्रिक्स को हम दो मैट्रिसेस का सम लिख सकते हैं, उसमें से एक सिमेट्रिक होगा एक स्क्यू सिमेट्रिक होगा, कैसे, अभी वाला नोट यूज करके एक बार खुद से ट्राई करो, जो मैंने बोला, मैंने क्या बोला, कोई भी मैट्रिक्स को हम सम ऑफ सिमेट्रिक प्लस सम ऑफ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख सकते हैं, कैसे है? देखना मैंने बोला, देखो ए को मैं कैसे लिख सकता हूं, देखना मैंने लिखा ए प्लस ए ट्रांसपोज प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज, तो इधर 2a हो गया, बराबर करने के लिए डिवाइड बाय 2 कर दिया, नाउ यू कैन सी कि LHS और RHS बराबर है, LHS और RHS बराबर है, और इधर हमें क्या सॉल्यूशन मिल गया, अब मैंने ऐसे लिख लिया a प्लस ए ट्रांसपोज बाय 2 प्लस ए माइनस ए ट्रांसपोज बाय 2, और अभी अभी देखा ये तो क्या हमारा सिमेट्रिक, और ये हमारा क्या है स्क्यू सिमेट्रिक, यही मैंने अभी बोला था तुम्हें कि कोई भी मैट्रिक्स को आई कैन राइट इट एज सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, तो सिंपल सा नोट है, इसको नोट लैंग्वेज फॉर्म में भी लिख लो, एनी मैट्रिक्स ए कैन बी रिटर्न एज अ सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस, दैट इज दिस, ठीक है। सेम चीज कहानी मैंने जैसे बोले अभी बोला था थोड़ी देर पहले, कहा है कि हमारा कैलकुलस में फंक्शन में कोई भी फंक्शन को हम लिख सकते हैं सम ऑफ इवन फंक्शन प्लस ऑड फंक्शन, ठीक है ना, उधर हमारा क्या आएगा, चलो शॉर्ट में बता देता हूँ, जो इवन फंक्शन आएगा वो आएगा एफ एक्स प्लस एफ ऑफ माइनस एक्स बाय 2, और जो ऑड आएगा वो आएगा, अभी डिटेल में हम जब भी देखेंगे, अभी तो जैसे मैं बता रहा हूँ अगर किसी को पता है, तो ये हो गया इवन, ये ऑड हो गया ऑड, इन दोनों का एडिशन क्या हो जाएगा हमारा एफ एक्स, बाद में हम उधर प्रूव भी करेंगे, दिस इज इवन दिस इज ऑड, इन दोनों का एडिशन इज एफ एक्स दिख रहा है क्लियरली, तो कोई भी फंक्शन को हम वी कैन राइट एज सम ऑफ टू फंक्शन, वन इज इवन वन इज ऑड,
क्लियर है बच्चों? चलो तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, अब मैम नेक्स्ट नोट की तरफ मूव करते हैं। अब देखना नेक्स्ट नोट इज, दो मैट्रिसेस के ऊपर ले लेते हैं। तो देखो इधर, इफ ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड Both are symmetric. Then, अब इसके हम सब पार्ट्स कर रहे हैं, ठीक है? तो इसे पहला, then AB plus BA will be symmetric. ठीक है, इसका प्रूफ देखते हैं। पहले क्या करो तुम लोग, एक बार खुद से ट्राई करो। उसने क्या बोला है कि A और B दो स्क्वायर मैट्रिक्स है सेम ऑर्डर की, और बोला है कि A और B दोनों सिमेट्रिक है, तो हमें प्रूव करना है कि ये वाला जो मैट्रिक्स है, दिस इज अ मैट्रिक्स, वो बोला है दिस विल बी सिमेट्रिक। तो जैसा कि मैंने बोला था, जो भी हमें प्रूव करना है कि कोई भी मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, उसको मान लो एक लेट्स से सी या डी, जो भी वेरिएबल मान लो, जो भी मानना है। तो लेट्स से मैं इसको मान लेता हूं सी। तो लेट सी इज इक्वल टू ए बी प्लस बी। अब मुझे प्रूव क्या करना है कि सी जो है सिमेट्रिक है, तो मेरे को सी ट्रांसपोज निकालता हूं और प्रूव कर दूंगा इसी के बराबर आ रहा है, तो मेरा प्रूफ हो जाएगा कि सी इज इसकी सिमेट्रिक, सॉरी सिमेट्रिक। तो निकाला सी ट्रांसपोज लिया, तो टेकिंग ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड, तो ए बी प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखने इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, अब ट्रांसपोज को वी कैन ब्रेक इन सम। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होता है, ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। तो देखना ध्यान से मैं क्या लिख रहा हूँ, एक स्टेप ध्यान से देखो, इसका ट्रांसपोज प्लस बी ए का ट्रांसपोज। अब देखना एक और चीज, अब मल्टीप्लीकेशन में जो मैंने बोला था रिवर्सल लॉ, ए इंटू बी का ट्रांसपोज क्या होता है, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। तो ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज प्लस, इधर उल्टा हो जाएगा ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब इसने क्या दे रखा है, बोथ आर सिमेट्रिक, तो सिमेट्रिक है तो क्या लिख सकता हूँ, बी ट्रांसपोज को बी के बराबर, ये हो जाएगा बी और ये क्या हो जाएगा ए प्लस, ये हो जाएगा सिमिलरली ए, ये हो जाएगा बी, और ये क्या है मेरा सी तो है, तो सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया। हैंड्स प्रूव कि ए बी प्लस बी ए क्या होगा, हमारा सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। क्लियर है, समझ में आया बच्चों क्या हुआ? अच्छा चलो, तो पॉज करो, नहीं तो इधर ही लिख लेते हैं सेकंड पार्ट, और देखो इसी में, देखो इधर मैं लिख रहा हूं सेकंड पार्ट इसी में कि ए बी, पहले खुद से करो, अब तो शायद ये अगर आ गया होगा तो अच्छे से समझ में आएगा, तो ये सेम तरीके से करना, ठीक है? क्या लिख रहा हूं, ए बी माइनस बी ए विल बी स्क्यू सिमेट्रिक, will be skew symmetric. तो जिसको प्रूव करना है skew symmetric, उसको let's say c मान लिया, तो c is equal to ab minus ba, फिर दोनों साइड ट्रांसपोज लिया, तो c ट्रांसपोज is equal to ab minus ba का ट्रांसपोज, फिर ट्रांसपोज को ब्रेक कर सकते हैं सम में, तो ये जाएगा ab का ट्रांसपोज माइनस ba का ट्रांसपोज। सो अब ब्रेक कर सकते हैं रिवर्सल लॉ प्रोडक्ट में, तो ये हो जाएगा b ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज। अब ए और बी सिमेट्रिक है, तो ये हो जाएगा बी ए माइनस ए बी, अब इधर से माइनस कॉमन लिया, तो ए बी माइनस बी ए, और ए बी माइनस बी ए क्या है मेरा सी है, तो माइनस ऑफ सी, और ये क्या था सी ट्रांसपोज। तो प्रूफ हो गया सी ट्रांसपोज माइनस सी के बराबर आ गया, इसका मतलब सी क्या है मेरा, दैट इज ए बी माइनस बी ए इसकी सिमेट्रिक, वही मुझे प्रूफ करना था। क्लियर हुआ? तो स्टेप बाय स्टेप करोगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है ना? जो भी पढ़ाया जा रहा है उसको दिमाग में रखो अच्छे से, ठीक है ना? और रिवीजन करते रहो, बोलना नहीं हमें, ठीक है ना? और स्कोरिंग चैप्टर है, जैसे कि मैंने पहले ही बोला है, और बोर्ड के लिए और जेई दोनों के लिए। चलो इसी नोट के अंदर, जैसे मेरा फर्स्ट दो रिजल्ट होगा और रिजल्ट लिख लेते हैं उसके अंदर। तो बिफोर दैट यू पॉज द वीडियो एंड कॉपी दिस मच पार्ट, ठीक है बच्चों? अब देखना इसी में मैं क्या बोल रहा हूं कि अभी मैंने ए बी प्लस बी ए के ऊपर कमेंट किया, लेट से मुझे ए बी के ऊपर कमेंट करना है, तो क्या ए बी सिमेट्रिक होगा? पहले सोचो, मैंने बोला कि ए एंड बी आर टू स्क्वायर मैट्रिसेस ऑफ सेम ऑर्डर एंड इंडिविजुअली ए और बी सिमेट्रिक है, क्या ए बी सिमेट्रिक होगा?
तो आंसर मिलेगा नहीं, उसके लिए कुछ कंडीशन होगी। तो उसके लिए कंडीशन क्या होगी देखना, सेकंड, अब मैं थर्ड में लिख रहा हूं इसी के अंदर, थर्ड, प्रूव दैट ए बी विल बी सिमेट्रिक इफ ए एंड बी कम्यूट। अब उसने एक एक्स्ट्रा कंडीशन दे दी कि ए और बी कम्यूट कर रहा है, तब प्रूफ करो कि ए बी विल बी सिमेट्रिक। एंड ये कंडीशन तो लेके चल नहीं है कि दोनों सिमेट्रिक मैट्रिक्स हैं, ठीक है ना, ए और बी। तो देख लेते हैं, तो मुझे ए बी को प्रूफ करना है कि ए बी सिमेट्रिक है। तो जैसा कि मैं हर बार बोल रहा हूं, जिसको प्रूफ करना है जिस मैट्रिक्स को, उसको सी मान लिया, तो लेट सी इज इक्वल टू ए बी। फिर क्या करूं मैं, ट्रांसपोज ले लेते हैं। तो ट्रांसपोज लोगे तो क्या आएगा, देखो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए बी का ट्रांसपोज। देखो इससे पहले जो मैंने प्रूफ किया था उसमें ए बी प्लस बी ए सिमेट्रिक प्रूफ किया था, उसके लिए कम्यूट होना जरूरी नहीं था, बट नाउ यू विल सी कि ए और बी को कम्यूट भी होना पड़ेगा अगर मुझे ए बी को सिमेट्रिक बनाना है। तो समझ में आया डिफरेंस क्या है, इधर केवल ए बी है, उधर ए बी प्लस बी ए था, ठीक है ना, उधर मेरे को कम्यूट की जरूरत नहीं थी, इधर कम्यूट होना जरूरी है। चलो इसको तो ब्रेक कर सकते, रिवर्सल लॉ के हिसाब से क्या हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब ये बी ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, बी के बराबर, क्यों, ए और बी दोनों सिमेट्रिक है एंड दिस विल बी ए। अब देखो, अब मेरा सी ट्रांसपोज बी ए आ गया, अगर मान लो ए और बी कम्यूट नहीं दिया होता तो कहां प्रूव हुए, ये दोनों बराबर तो नहीं होते इन जनरल, बट एज वी नो ए एंड बी कम्यूट, देयरफॉर दिस इज इक्वल टू ए बी, और ये ए बी हो गया और सी बी ए बी है, तो दिस इज सी। तो समझ में आया डिफरेंस, ए और बी अगर कम्यूट भी करेंगे तब मैं बोलूंगा कि ए बी जो है वो भी सिमेट्रिक होगा। क्लियर है बच्चों, ठीक है। चलो तो अब नेक्स्ट इसमें देख लेते पॉइंट, तो मैं इसको रब कर देता हूं, उससे पहले तुम लोग वीडियो पॉज करके कॉपी करते जाओ, कोई भी चीज छूटना नहीं है, छोड़ना नहीं है, ठीक है ना। अब देखना नेक्स्ट इसी के अंदर, ए अगर सिमेट्रिक है तो हमें प्रूफ करना है, या नोट के फॉर्म में लिख लो, चलो इसको अलग से नोट के फॉर्म में लिख लो, इफ ए इज सिमेट्रिक देन प्रूव दैट ए की पावर के विल बी सिमेट्रिक। ओके, क्या है, स्केलर है, लिख लो, चलो के इज स्केलर, के इज एनी स्केलर। तो जैसा कि प्रूव करना है जिसको, उस मैट्रिक्स को सी मान लेते हैं, तो तुम लोग वीडियो पॉज करके खुद से ट्राई करो, ठीक है ना, तो ज्यादा सीखने मिलेगा बच्चों। तो मैंने लिखा सॉल्यूशन, तो सी मान लिया मैंने ए की पावर के, क्या करूं, ट्रांसपोज लूं, सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की पावर के इसका ट्रांसपोज। अच्छा अब मुझे पता है, अभी प्रॉपर्टीज पढ़ा था उसमें, ट्रांसपोज को अंदर भेज सकता हूँ, के को बाहर ले सकता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, तो यूज हो गया उस प्रॉपर्टी का, जैसा कि मैंने बोला था यूज होने भी वाला है। अब ध्यान से देखना बच्चों, ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, ए के बराबर, क्यों, क्योंकि ए तो सिमेट्रिक है, तो दिस इज ए की पावर के, और ए की पावर के क्या था, सी, यहां से तो क्या आ गया हमारा, सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ गया, वही तो हमें प्रूफ करना है कि ए की पावर के विल बी सिमेट्रिक। आसान है चीजें, ठीक है ना, चलो थोड़ा फास्ट कर रहे हैं हम, ठीक है ना, तुम लोग वीडियो पॉज कर करके सॉल्यूशन कॉपी करते जाओ। चलो इसके अंदर एक और देखो, इसी के अंदर एक और पॉइंट कि ए अगर सिमेट्रिक है, इफ ए इज सिमेट्रिक देन प्रूव दैट सी ट्रांसपोज ए सी, ये एक मैट्रिक्स होगी, दिस इज सिमेट्रिक वेयर सी इज एनी मैट्रिक्स, वेयर सी इज एनी मैट्रिक्स। क्या प्रूफ करना है, सी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी इज सिमेट्रिक। तो जिसको प्रूफ करना है उसको एक मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो सी तो नहीं मानूंगा, सी तो ऑलरेडी इधर है, तो मान लिया मैंने लेट से डी, डी इज इक्वल टू सी ट्रांसपोज ए सी। कंडीशन में क्या दिखा, ए तो सिमेट्रिक है, सी पे कोई कंडीशन नहीं है, सी कोई भी मैट्रिक्स हो सकता है, एंड ऑफकोर्स दिस शुड बी डिफाइंड, मतलब कंफर्मेबल तो होना चाहिए प्रोडक्ट के लिए। तो अब मैं निकालता हूँ डी ट्रांसपोज, हो जाएगा सी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी इसका ट्रांसपोज। अब रिवर्सल लो, तो इस सी पे तो एक ट्रांसपोज आएगा इसके कारण, फिर ए पे आएगा ए ट्रांसपोज, फिर इस सी ट्रांसपोज पे ट्रांसपोज, तो ये हो गया सी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज किसके बराबर होगा, सिंस इट इज सिमेट्रिक देयरफॉर इट इज ए ओनली ए, और सी ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सी, दिस यू कैन सी दिस इज डी ओनली, तो क्या प्रूफ हो गया, डी हमारा डी ट्रांसपोज के बराबर है, हेंस सी ट्रांसपोज इंटू ए इंटू सी इज सिमेट्रिक। ठीक है, क्वेश्चन इसलिए कराया, थोड़ा फील आ जाए हमारा, कंफर्टेबल हो जाए, मतलब जो भी मैट्रिक्स दी है हमें, जिसको प्रूफ करना है सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक, उसको हम तुरंत मान लें मैट्रिक्स, ठीक है ना, इसीलिए ये एग्जांपल्स लिए। चलो
अब एक स्क्यू सिमेट्रिक के ऊपर एक नोट और देख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम एंड अप करेंगे इस लेक्चर को। तो कॉपी करो इसको, मैं रब करने जा रहा हूं। देखना, नोट करके लिख लो इसको। इफ ए इज स्क्यू सिमेट्रिक देन ए की पावर के विल बी, अच्छा ठीक है ना। तो एक काम करो, पहले हम इसका प्रूफ देखते हैं, उसके बाद मैं इधर रिजल्ट लिखूंगा, ठीक है ना। मतलब मुझे वही प्रूफ करना है कि ए की पावर के सिमेट्रिक होगा या इसके सिमेट्रिक होगा। तो फिर से क्या बोलूंगा मैं, तुम लोग एक बार ट्राई करो खुद से, तो ज्यादा सीखने मिलेगा। मैं इसका डिस्कशन करता हूँ। तो जैसा कि इसने बोला ए इज इसकी सिमेट्रिक, तो हमारा क्या हो जाएगा, ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए, ठीक है। अच्छा अब मुझे क्या करूं मैं, अब मैंने क्या किया, दोनों साइड पावर के ले लिया, ठीक है। तो देखना इधर क्या लिख रहा हूं मैं, नहीं तो एक काम करो, ए की पावर के करना है ना, तो सी को मान लिया, लेट से सी इज इक्वल टू ए की पावर के, जिस चीज को मुझे प्रूव करना है वो सिमेट्रिक है सिमेट्रिक है, उसको मैंने सी मान लिया, ठीक है ना। तो मुझे अब प्रूव करना है कि जो सी है वो सिमेट्रिक है इसकी सिमेट्रिक है, तो उसके लिए मैं ट्रांसपोज निकालूंगा। तो मैंने निकाला ट्रांसपोज ऑन बोथ द साइड, तो सी ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए की पावर के, ये तो कंडीशन गिवन है, ठीक है ना, दिस इज गिवन कंडीशन। और मैंने ये लेट माना है, लेट सी इज इक्वल टू ए की पावर के, तो सी ट्रांसपोज कितना हो, ए की पावर के का ट्रांसपोज, दिस इज फर्दर इक्वल टू ट्रांसपोज ऑफ ए को इंटरचेंज कर सकते हैं, तो ये हो गया ए की पावर ट्रांसपोज की पावर के, और ए की ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज क्या होगा, माइनस ए के बराबर, गिवन है क्योंकि इसकी सिमेट्रिक है, ये हो गया माइनस ए की पावर के, एंड दिस इज सी ट्रांसपोज। अब आएगा मजा क्या, अब जैसे माइनस कॉमन लोगे तो क्या आएगा बाहर, माइनस वन की पावर के इंटू ए की पावर के, समझ में आया, आप सोचो माइनस वन समझ में आया क्यों आया, क्योंकि ऐसे समझो इसको, क्या लिखा है ये, हाँ जो कॉमन लेते हैं हम, समझ ये माइनस वन आ जाएगा, ठीक है। अच्छा तो अब तो मैं समझ में आ रहा होगा कि के इवन होगा और ऑड होगा, दो सिनेरियो बन रहे हैं। अगर इवन होगा तो ये चीज क्या हो जाएगी मेरी वन, तो सी ट्रांसपोज ए की पावर के आ जाएगा, और ए की पावर के क्या है, सी है, तो दिस विल बी सी, और अगर के ऑड होगा तो दिस विल बी माइनस ऑफ ए की पावर के, और माइनस ये हो जाएगा फिर माइनस ऑफ सी, तो क्या हो जाएगा उससे अपना स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। एक सेकंड, जस्ट अ सेकंड, मैं देख लेता हूँ, इवन ऑड, इवन पे आ रहा है हमारा, इवन पे आ रहा है हमारा सी ट्रांसपोज सी के बराबर आ रहा है, और ऑड पे आ रहा है स्क्यू ट्रांसपोज, तो बिल्कुल करेक्ट है। तो इधर लिख लो विल बी, दो केसेस बनेंगे इधर, विल बी सिमेट्रिक इफ के इज इवन, स्क्यू सिमेट्रिक इफ के इज ऑड। देख लो एक बार खुद से चेक करो, इसके बाद इसका तुम लोग कंप्लीट करो, क्या लिखोगे, अब ऐसे लिखना इफ के इज इवन, तब क्या होगा, ये प्लस वन हो जाएगा ए की पावर के, तो ये सी ट्रांसपोज किसके बराबर हो गया, सी। इफ के इज ऑड तो सी की पावर ट्रांसपोज, ये कितना हो गया, माइनस ऑफ ए की पावर के, तो माइनस ऑफ सी हो गया, तो ये हो जाएगा इसकी सिमेट्रिक, वही चीज उधर लिखा है, क्लियर है ना बच्चों। तो वीडियो पॉज करो, कॉपी करो, इसके बाद मन लास्ट नोट और देखता हूँ, एक क्वेश्चन ही है उसके फॉर्म में, नोट के फॉर्म में, दैट वी विल सी। देखना मैंने बोला कि नोट के फॉर्म में ही है या फिर क्वेश्चन के फॉर्म में, जैसे लिखना है, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन एन ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और फिर सिमिलरली हम देखेंगे इसकी सिमेट्रिक के लिए। तो पहले इसका डिस्कशन देख लेते, तो उसमें बोला एक एन ऑर्डर सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, तो देखना, तो मैं एक पहले 3x3 का लेके देख लेता हूँ, 1, 2, 3, फिर ये 2 फिक्स हो गया, 4, 5,
तो ये 3 फिक्स हो गया, ये भी फिक्स हो गया 5 और ये 6, ठीक है। तो उसने बोला कि ज्यादा से ज्यादा मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्री कितनी होगी सिमेट्रिक में, तो खुद सोचो कि अगर मैंने मान लो ये 3 एलिमेंट फिक्स किए तो ये मेरे फिक्स हो जाएंगे, इनमें मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। तो ये प्लस डायग्रल एलिमेंट्स, क्योंकि इन दोनों को किया फिक्स तो ये तो अपने आप फिक्स हो गए। तो ये वाले इस ट्राइंगल के अंदर कितने आते हैं, ये तो बोलते हैं हम ऑफ डायगनल एलिमेंट, डायगनल अबव द मतलब डायगनल एलिमेंट्स को छोड़ के बचे हुए एलिमेंट्स को ऑफ डायगनल बोलते हैं। उसमें भी एक ऊपर होते हैं उतने ही नीचे होते हैं, तो टोटल तो एन एन स्क्वायर होते हैं, डायगनल से एन चले गए तो कितने बचे, एन स्क्वायर माइनस एन, उसके हाफ ऊपर होंगे, तो दिस इज एन स्क्वायर माइनस एन बाई टू और ये हमारे एन है। इन दोनों का एडिशन इज नथिंग बट मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज, तो क्या हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू प्लस एन। या फिर ऐसे समझ लो, इसके अंदर एक एंट्री, इसके अंदर दो एंट्री, इसके अंदर तीन एंट्री एंड सो ऑन, तो सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा, एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, बोथ वे ये दोनों इसी के, ये भी इसी के बराबर होगा। समझ में आया, मैक्सिमम नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट एंट्रीज इन सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अच्छा अब हम बात कर लेते हैं स्क्यू सिमेट्रिक के लिए। तो देखना ध्यान से बच्चों, स्क्यू सिमेट्रिक के लिए अब हमें मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज निकालना है। तो देखो स्क्यू सिमेट्रिक के लिए जैसे मैंने बताया था कि डेटा हो गया अपना, क्या बोलते हैं डायगनल एलिमेंट्स हैं वो तो जीरो ही होते हैं, तो जीरो वन टू माइनस वन जीरो थ्री माइनस टू माइनस थ्री जीरो, सो दिस इज अ जीरो ओनली, ठीक है ना। अच्छा अब वन एंड माइनस वन विल बी ट्रीटेड एज डिफरेंट एंट्री, वन और माइनस वन बराबर तो है नहीं, तो देखना अब कितना आने वाला हमारा आंसर। देखो ये डिस्टिंक्ट है, ये डिस्टिंक्ट है, तो ये वाले कितने आते हैं हमारे एन के टर्म्स में, इसमें तो तीन लिखे हैं, वैसे कितने आते हैं एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू, ये वाले कितने आते हैं एन स्क्वायर माइनस एन बाय टू, और ये सिंस जीरो इज ऑल्सो सिंगल एंट्री डिफरेंट तो इसके लिए वन, तो इन तीनों का एडिशन तो कितना हो जाएगा एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। सो दिस मच नंबर ऑफ मैक्सिमम डिस्टिंक्ट एंट्रीज आर पॉसिबल फॉर स्क्यू सिमेट्रिक, ठीक है ना। सिमेट्रिक के लिए क्या आया था एन इंटू एन प्लस वन बाय टू, इसके लिए आया एन स्क्वायर माइनस एन प्लस वन। तो आई होप समझ में आया होगा, मजा आया होगा आज की क्लास में, काफी इंटरेस्टिंग थी, बहुत क्वेश्चन आते हैं ट्रांसपोज के ऊपर, और शायद शीट में भी एक पर्टिकुलर डीपीपी है ट्रांसपोज के ऊपर, तो तुम लोग उसको आज ट्राई कर लेना इस लेक्चर को देखने के बाद, ठीक है। अब हम अगले लेक्चर में देखेंगे ऑर्थोगोनल और एडजॉइंट और इनवर्स के ऊपर डिस्कशन करेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।